आज हम बात करेंगे आईयूपीसी नेम बनाने की। देखो, एक पे क्या पड़ता है, मेथेन, दो पे एथेन, तीन पे प्रोपेन, चार पे ब्यूटेन, पांच पे पेंटेन, छह पे हेक्सेन, सात पे सेप्टेन, आठ पे ऑक्टेन, नौ पे नोनेन, दस पे डेकेन। हाँ, अब इसको ये बोला जाता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नोनेन और डेकेन। ठीक है, ये बोले जाते हैं। अब इसके ये क्या होते हैं, इनके साथ यदि जुड़ते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है आईयूपीएसी का। ये अनुलग्न बोलते हैं इसको हिंदी में, अनुलग्न, पूर्व लग्न इस टाइप से। तो ये देखो, OH क्या होता है, ऑल, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, CO क्या होता है, कीटोन, COOH अम्ल, यानी कि अल जुड़ता है, O क्या होता है, ईथर, और NH2 क्या होता है तुम्हारा, एमीन। और ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं। और ClBrI जुड़ते हैं तो क्लोरो ब्रोमो आयडो, CH3 को मैथिल, C2H5 को एथिल। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, यदि तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड आता है तो एन लगेगा, क्या लगेगा, एन, और अगर डबल बॉन्ड आता है तो ये लगेगा ईन। ठीक है, और यदि तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें लगता है तुम्हारा आयन, क्या लगेगा, आयन। ठीक है, ये और ध्यान रखना। अब हम आईयूपीएसी बनाना नाम स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेम क्या होता है कि पहले बना बनाया देगा, उसका नाम लिखना है, दूसरे टाइम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, नाम देगा, बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। अब ये देखो, सारे जो हैं वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड के द्वारा तो कहीं से भी काउंट कर लो, एक, दो, तीन, चार, और चार पे क्या आता है, देखो, ब्यूटेन, चार पे क्या आता है, ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ब्यूटेन। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, चार है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब ये तुम चक्कर में पड़े होगे कि हाइड्रोजन तीन क्यों रखे हैं, हाइड्रोजन तीन इसलिए रखे क्योंकि कार्बन को कितने चाहिए होता है, चार, ये देखो, दो, चार। अब इसको आठ बनाने के लिए कितना चाहिए, चार चाहिए ना, तो देखो हाइड्रोजन तीन दे देगा और एक बॉन्ड दे देगा, यानी कितने हो गए, यहाँ से चार हो गए ना पूरे, इसलिए CH3 लगा। देखो, दो इधर से मिल रहे हैं, दो हाइड्रोजन देगा, चार हो गए पूरे, दो इधर से मिल रहे हैं और दो हाइड्रोजन, तो चार हो गए ना पूरे कार्बन के, इसीलिए क्या लगते हैं, ये बॉन्ड लगता है। ठीक है, आगे हम IUPAC नेम बात करें तो हमारे पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड ये लगा दिया मैंने CH3। अब ये देखो, इसको काउंटिंग कहाँ से करेंगे, एक दो, एक दो, तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, एक दो तीन चार। अब ये देख रहे हो कि चार पे क्या आता है, चार पे तुम्हारा आता है ब्यूटेन, चार पे क्या आता है, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन से पहले देखो तो तुम्हारे पास एक दो, दूसरे पे क्या पड़ रहा है, इन, तो टू इन है ना, क्या है, टू इन, तो इस इन को इसमें यदि हम काउंटिंग करें तो हो जाएगा टू ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, टू ब्यूटीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू ब्यूटीन। ये कब हम कब है, जब डबल बॉन्ड, जब भी डबल बॉन्ड पड़े तो वैल्यू किसको दिया जाता है, डबल बॉन्ड को दिया जाता है, यानी कि हम वहाँ से काउंटिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड क्या पड़ता हो, पास पास पड़ता हो। ठीक है, और बात कर लेते हैं, और बात करें तो ये लिख दे रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड सी, चलो ये कर दे रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये लिख दिया CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन सा आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। जब भी ट्रिपल बॉन्ड मिले तो हम वैल्यू किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, किसको वैल्यू देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अब देखो, एक दो, एक दो तीन, तीसरे पड़ रहा है तो कहाँ से काउंटिंग करेंगे, इधर से, क्योंकि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, एक दो तीन चार पाँच, और पाँच पे तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि क्या आ रहा है, पेंटेन, पाँच पे क्या आ रहा है, पेंटेन, देखो ये पाँच पे क्या आ रहा है, पेंटेन, और इस पेंटेन से पहले टू पे क्या पड़ रहा है, आइन, तो इसे कर देंगे टू आइन, कितना, टू आइन, या करके लिख दे रहा हूँ, इसे नाम लिख सकते हो टू पेंटाइन, टू पेंटाइन। ठीक है, या तो इसका नाम ये लिख दो टू पेंटाइन, या नहीं तो टू आइन पेंटेन। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं और IUPAC नेम की, तो CH3 CH CL CH, और ये लिख दूँ CH,
सी एल और ये हो जाएगा तुम्हारा सी एच थ्री। तो अब इसको हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, एक दो तीन चार, चार पे क्या पड़ता है तुम्हारा, चार पे ये पड़ रहा है ब्यूटेन, चार पे क्या पड़ रहा है ब्यूटेन। अब चार से पहले देखो तो एक दो तीन चार, चार पे क्या पड़ रहा था ब्यूटेन पड़ रहा था, दो तीन पे क्या पड़ रहे हैं क्लोरो पड़ रहे हैं, तो इसे कर देंगे दो तीन डाई क्लोरो, कितना डाई क्लोरो, दो पड़ता है तो डाई, तीन पड़ता है तो ट्राई, एक पड़ता है तो मोनो और चार पड़ता है तो टेट्रा कहते हैं, ठीक है। तो अगर जो चार आ जाए एक साथ तो हम उसे क्या बोल देंगे, टेट्रा बोल देंगे, पांच आएगा तो पेंटा बोलेंगे, ठीक है। ये आईयूपीएसी नेम है। बात कर लेते हैं और आईयूपीएसी नेम की, जैसे मैंने दे दिया सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच सी एल, ठीक है, ये दे दिया सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ दे दिया सी एच सी एच ओ सी एच थ्री, ठीक है। तो अब इसको कहाँ से काउंटिंग करेंगे, एक दो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, एक दो तीन चार, और चार पे क्या पड़ रहा है तुम्हारे पास ब्यूटेन, चार पे क्या पड़ रहा है ब्यूटेन, ये ब्यूटेन लिख दो। अब चार से पहले देखो तो टू पे क्या पड़ रहा था टू क्लोरो, कितना टू क्लोरो, टू क्लोरो और टू पे ही क्या पड़ रहा है ऑल, टू ऑल, टू ऑल, और यहाँ देखो तो थ्री पड़ रहा है एल्डिहाइड, थ्री एल्डिहाइड और क्या पड़ रहा है ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है तुम्हारे पास नाम इसका ब्यूटेन, ये रहा ब्यूटेन। अब हम यदि या करें इन सबको एक साथ जोड़ो तो ये हो जाएगा टू क्लोरो, टू क्लोरो थ्री एल्डिहाइड, थ्री एल्डिहाइड और इस टू ऑल को इसके साथ जोड़ दो तो ये हो जाएगा टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है। आईयूपीएसी नेम इजी है, टफ नहीं है, केवल ये नाम लिख लो उसके बाद ये अपने आप ही बनते चले जाएंगे, ठीक है। केवल इसके नाम जो तुम्हें ये इजी है कि दिया होगा, बस इसका नाम बताना होता है, ठीक है। आगे और बात करें तो ये है हमारे पास सी एच थ्री सी एच, यहाँ जोड़ दिया सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, इस टाइप से, ठीक है। अब हम ये देखें कि हमारे पास ये क्या जुड़ रहे हैं, दो मैथिल जुड़ रहे हैं, ये रहा सी एच थ्री क्या होता है मैथिल, अगर ये मैथिल इधर जुड़ता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन हाँ इधर जुड़ेगा तो उसका नाम हो जाता है, क्या चीज़ मैथिल। इसका देखो काउंटिंग करोगे तो एक दो तीन चार, चार पे क्या पड़ता है तुम्हारा ब्यूटेन, चार पे क्या पड़ रहा है ब्यूटेन और दो पे क्या पड़ रहा है दो मैथिल पड़ रहे हैं, तो यहाँ लिख दो टू डाई मैथिल, कितना टू कोमा टू डाई मैथिल, टू कोमा टू डाई मैथिल, यानी दोनों किस पे पढ़ रहे हैं इस पे ही पढ़ रहे हैं। ये लिख दो सी एच थ्री सी एच सी टू एच फाइव सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री। तो अब हम काउंटिंग करेंगे तो देखो एक दो तीन चार, वहाँ से काउंटिंग करते हैं जहाँ से, देखो एक दो दूसरे पे ही पास पड़ रहा है, एक दो दूसरे पे ही पड़ रहा है, तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, एक दो तीन चार। अब चार पे क्या आता है तुम्हारा ब्यूटेन, चार पे क्या आता है ब्यूटेन, इस ब्यूटेन से पहले देखो तो टू मैथिल और क्या पड़ रहा है तुम्हारा थ्री एथिल, क्या पड़ रहा है थ्री एथिल, तो ये जो है नाम रख सकते हो टू मैथिल थ्री एथिल ब्यूटेन, टू डाई मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। ये इजी है, टफ नहीं है, आसानी से बन जाते हैं।